महाराजा डालदेव पासी अपना राज विस्तार कर रहे थे तो इब्राहिम शाह सरकी हमेशा भयभीत रहा करता था। इब्राहिम सरकी अपने ही राज्य जौनपुर में पासियों का संहार करने लगा और तांडव मचाने लगा। पासियों के साथ में और अटाला देवी का मंदिर भी तोड़ दिया। तब डाल देव के छोटे भाई काकरोन ने जौनपुर जाकर सरकी को हराया और तांडव रुकवाया। तब से ही सरकी पासियों को बदले की भावना से देखने लगा और बदला लेने की ठान ली। कई वर्षों बाद होली वाले दिन इब्राहिम सरकी ने आक्रमण कर दिया। जिस दिन पासी तलवार नहीं उठाते और नशे में डूबे रहते हैं, होली का पर्व धूमधाम से मनाते हैं, उसी का मौका उठा करके और मुसलमानों ने वो तांडव मचाया कि बताना मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चों और औरतों के साथ भी वो बर्बरता की कि जिसका जिक्र मैं आपके सामने कर नहीं सकता। तो ऐसा था ये सनकी सरकी, जिसने महाराजा डालदेव को गलत तरीके से, कायरतापूर्ण तरीके से उनके राज पर आक्रमण करके हरा दिया था। मगर बावजूद इसके महाराजा डालदेव पासी अंत तक वीरता से लड़ते रहे और शहीद हुए।